नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आपका आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, आदतन बोले और लिखे जाने वाले इस वाक्य को शायद ही कोई गंभीरता से लेता हो। हमारी सरकारें तो निश्चित रूप से नहीं लेती। यही वजह है कि बीते कुछ सालों से मासूम बच्चों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन बच्चों का गायब होना बच्चों के परिवार वालों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। लापता बच्चों की त्रासद हकीकत एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने आने के बावजूद हमारी सरकारों ने इसे कभी भी संजीदगी से अपने सरोकारों का मामला नहीं माना। कई गैर सरकारी संगठनों और खुद सरकार के स्तर पर कराए गए अध्ययनों में ये तरासत हकीकत सामने आ चुकी है कि लापता होने वाले बच्चों की तादाद लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। अदालतें भी इससे निपटने का निर्देश कई बार सरकारों को दे चुकी हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। लगातार लापता हो रहे बच्चों की खोज के लिए श्री न्यूज ने मुहिम चलाई है। आप भी हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गुम होने से बचाना है हक आपका। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के बाद सैकड़ों बच्चों को देश भर से बरामद कर जहां पूरे देश में गाजियाबाद पुलिस के नाम का परचम लहराया था, वहीं गाजियाबाद में आज भी कई घरों के बच्चे लापता हैं और हर महीने दर्जनों बच्चों के लापता होने का सिलसिला जारी है। लापता बच्चों के परिजन लापता होने वाले संबंधित थानों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लापता बच्चों की खोज के मामले में गाजियाबाद की पुलिस का नाम आते ही सभी को ऑपरेशन स्माइल की याद आ जाती है, जिसमें गाजियाबाद पुलिस ने सैकड़ों बच्चों को देश के कई राज्यों से बरामद कर सैकड़ों परिवारों की मुस्कान लौटा दी थी। लेकिन आज भी गाजियाबाद से बच्चों के गुम होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दर्जनों बच्चे हर महीने गाजियाबाद से गुम हो रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के विजयनगर का है, जहां दो पड़ोस के बच्चे एक साथ पास के पार्क में खेलते खेलते लापता हो गए और जब परिवार वाले विजयनगर पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए तो काफी मशक्कत के बाद इनके बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। एक माँ के लाल के गुमशुदा होने के बाद आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जैसे ही ये माँ अपने गुम हुए बेटे की तस्वीर देखती है, वैसे ही उसके आंसू छलकने लगते हैं। यहाँ से पार्क से लापता हो गया है ये 19 तारीख की शाम को, और मैंने यहाँ से बच्चे रोज डेली जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं बता रहा कि यहाँ बच्चा लौट के आया है। उसमें से एक लड़का छोटा सा है, वो कह रहा है यहाँ तक आया है और नहीं आया, उसका कोई पता नहीं। मैं तो घर पे नहीं थी, मेरा बच्चा घर पे था, दो बच्चे थे घर से निकल गए, एक पड़ोसी का लड़का था। वो बच्चे दोनों आप सब में घर पे बतरा रहे थे मेरे पे, दोनों बच्चे खेलने के मूड से निकल गए थे, मैं घर पे नहीं थी, मेरे बहू बेटा थे घर पे, वो फिर वापस नहीं आए। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही बच्चों को ढूंढ कर लाने की बात कही जा रही है। दो बच्चे जिनके नाम क्रमशः राजू और अजय हैं, जो विजयनगर थाना में जिनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई, इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 488/15 उचित धाराओं में दर्ज किया गया है। 28/4 इसमें छानबीन की जा रही है। दो बच्चे थे जो घर के बाहर खेल रहे थे, वहाँ से लापता होने की सूचना इतला पुलिस को दी गई, उसी समय मुकदमा दर्ज करके की खोजबीन की जा रही है जो भी कानूनी रूप से, और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें जानकारी इसमें आ जाए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पुलिस इन गुम हुए बच्चों को कब तक बरामद कर इस परिवार की स्माइल लौटाती है। आपको बता दें कि गाजियाबाद की पुलिस की ऑपरेशन स्माइल के बाद अन्य राज्यों की पुलिस गाजियाबाद की पुलिस से इस ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेकर अपने राज्य के गुम बच्चों को बरामद करने की कवायद में जुटी है। तो वहीं बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करने वाले गाजियाबाद के कई पुलिस वाले
स्माइल की कामयाबी पर दाग लगाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों पर जल्द सख्त कार्रवाई की जरूरत है। गाजियाबाद से तेजेश चौहान, श्री न्यूज। तेजेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा चर्चा के लिए। तेजेश, एक तरफ गाजियाबाद पुलिस ने एक मिसाल भी पेश की थी ऑपरेशन स्माइल के द्वारा, लेकिन हकीकत अब भी वही है कि बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं और उसका सिलसिला बदस्तूर जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे थमेगा, क्या पुलिस के पास कोई थ्योरी है? जी बिल्कुल अपूर्व, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार बच्चों का लापता होना सिलसिला लगातार जारी है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से जरूर लिया था। जो गाजियाबाद के SSP जिस वक्त आए थे धर्मेंद्र सिंह यादव, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े गंभीरता से उठाया। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, एक नोडल ऑफिसर भी इसके लिए बनाया गया और करीब सैकड़ों बच्चे बरामद भी किए गए, जगह जगह से लेके आए गए थे और उनको यहाँ पर बालाश्रम में भी रखा गया था। कुछ बच्चों को उनके घर वालों तक भी पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ 4 बाल आश्रम हैं गाजियाबाद के अंदर जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके अभी घर वालों तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत उनको करनी पड़ रही है, अभी भी वो बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं। जी तेजेश, एक हकीकत ये भी है कि लगातार अपनी तरफ से कोशिश तो की जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन जब एक बार बच्चे गुम हो जाते हैं उसके बाद उनको वापस ले आना, उससे अच्छा ये होगा कि पुलिस इस तरीके का कोई एक्शन प्लान बनाए कि बच्चों के गुम होने की नौबत ही नहीं आए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल अपूर्व, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से इस बात को गंभीरता से SSP ने उठाया था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन स्माइल इनका कामयाब हुआ और देश भर में इसका नाम भी हुआ था कि काफी इसके यहाँ पर जो सराहना यहाँ पर की गई थी। लेकिन जिस तरीके से बच्चे लापता हो जाते हैं उसके बाद जब परिजन उनके थाने पर पहुंचते हैं, थाने पर कोई सुनवाई नहीं होती है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थाने की पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है जहां पर बच्चे गायब होते हैं, उन पर जरूर सवाल निशान खड़ा होता है। इस पर चाहिए SSP को जरूर कहीं ना कहीं इस मामले में भी एक टीम हर थाने में बैठाई जाए, एक टीम को गठित किया जाए जो इस तरीके के मामले होते हैं उनको गंभीरता से लिया जाए या उनके लिए अलग से एक रिपोर्ट दर्ज उनकी कराई जाए। तेजेश, पिछले कुछ सालों में जितने सालों में बच्चों को रिकवर किया गया है, एक रिपोर्ट ये भी है कि देश भर में सालाना तकरीबन 1,00,000 बच्चे गायब होते हैं, उसमें 45% बच्चों का नामो निशान तक पता नहीं चलता कि वो कहां गए। लेकिन तारीफ काबिल काम है गाजियाबाद पुलिस का, कम से कम हमें उन्हीं से सीख लेनी चाहिए हर राज्य की पुलिस को कि उनका जो रेशियो था बच्चों को ढूंढने का, बच्चों को पकड़ने का और वापस लाने का, उनके माँ बाप से मिलाने का, वो ज्यादा था। क्या जो एक्शन प्लान था पुलिस का जो उन्होंने अख्तियार किया था, क्या उसे सीख लेने की जरूरत नहीं है बाकी सभी राज्यों को? जी बिल्कुल, देखिए अपूर्व, जिस तरीके से आपने भी बताया और निश्चित तौर पर जो आंकड़े बता रहे हैं, देश भर में लाखों बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं, 45% उन बच्चों का मतलब ढूंढा भी नहीं जाता है, ना ही वो मिल पाते हैं, उनका ये भी पता नहीं लग पाता है कि इस वक्त वो हैं कहाँ, तो उन्हें गलत गलत धंधों में डाल दिया जाता है, गलत तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया है और जिस तरीके से इसकी सराहना हुई है, निश्चित तौर पर यदि पुलिस इसी तरीके से काम करती रहे तो जो बच्चे गायब होते हैं, जो जितने माँ बाप उनके जो बिछड़ जाते बिल्कुल, हैं वो गायब ना हो और अपने माँ बाप से ना बिछड़ पाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए तेजेश बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे साथ इस पेशकश में कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। खेमराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर से। खेमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज पर, आपका क्या कहना चाहेंगे? खेमराज जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है खेमराज जी से संपर्क टूट गया है। हम वो भयावह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो भयावह आंकड़े दिखा रहे हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। 4 तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फर्रुखाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, और ये डरावने आंकड़े, वाकई डरावने आंकड़े हैं। एक साल में अगर तकरीबन 1,00,000 बच्चा, हर साल अगर 1,00,000 बच्चा, देश का भविष्य गायब हो जाता है, लापता हो जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है कि वो बच्चे कहां जाते हैं, उन्हें कौन पकड़ता है, उन्हें कौन अगवा करता है, उनसे क्या करवाता है। कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई हैं जिसमें पता चला है कि या तो इन बच्चों को मार डाला जाता है या इन बच्चों से भीख मंगवाई जाती है,
या फिर इन बच्चों को वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। अब ये सरकारों को तय करना है कि उनका देश के भविष्य जो है छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी आंखों से सरकारें भविष्य का सुनहरा सपना देख रही हैं, उस भविष्य के सुनहरे सपने को बनाने के लिए हमें अपने आज को सुधारना होगा, हमें अपने आज को संवारना होगा। लेकिन हकीकत यही है कि हमारा आज भी खतरे में है, यानी जब हमारे बच्चे छोटे छोटे मासूम वो गायब हो रहे हैं तो हम किनके कंधों पर भविष्य का बोझ रखेंगे, किनकी आंखों से हम भविष्य के सुनहरे सपने को साकार करेंगे, एक बड़ा सवाल है। हरियाणा के हिसार से एक कॉलर हमारे साथ विनोद कुमार जुड़ रहे हैं। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में आपका, क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूंगा सर कि टीवी चैनल के अंत आपने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी लगी ये बात सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अब ये चाहते हैं कि सभी चैनल एक साथ मिलके आप एक ऐसा मतलब चैनल लगाएं, मतलब एक ऐसी हेल्पलाइन करें ताकि आजकल नेटवर्क के अंदर मतलब जो अपने सभी के पास इंटरनेट है और व्हाट्सएप पे लेके, क्योंकि सारे लोगों का संपर्क उस पे होता रहे तो पता लगता रहे किस बच्चे की यहाँ गायब हुआ है, ये बच्चा वहाँ मिल सकता है, क्योंकि दूरदर्शन और टीवी एक ऐसा दूरदर्शन चैनल है उस पे पता लग सकता है अपने को। और क्या एक्शन प्लान होना चाहिए सरकार की तरफ से? आप एक आम आदमी हैं, आप बेहतर समझते होंगे कि क्या कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए। हाँ सर, आपके मुताबिक क्या करना चाहिए सरकार को, क्या फैसला लेना चाहिए, क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए? आप लोगों के चैनल चलते हैं सर, हम उस चीज में बार बार हम चैनल देखते हैं सर जी, तो चैनल पे एक ऐसी हेल्पलाइन हो जैसा कि लाइव का जो जैसे आपने दिया लैंडलाइन का नंबर वो मिल नहीं पाता है, और एक व्हाट्सएप पे ऐसा नंबर होता है कि कहीं से भी मतलब किसी को शक हो, जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर जो घटना हुई थी पुलिस वाले तो उसके अंदर से सच्चाई सामने आ गई, तो उसी तरह सच्चाई सामने आ जाए, बच्चों को गायब होने से पहले किसी को शक लगे तो उसका फोटो लेके उसका आईडी लग जाता है ये बच्चा हमने वहाँ देखा, तो उसका गवाह भी आपको मिल सकता है ये बच्चा यहाँ पे हमने देखा था। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, आपने श्री न्यूज के इस मुहिम में श्री न्यूज का साथ दिया। हरियाणा के भिवानी से हमारे साथ एक कॉलर दयानंद मेहरा जुड़ रहे हैं। दयानंद जी बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में आपका, क्या कहना चाहते हैं? दयानंद जी आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है दयानंद का संपर्क हमसे टूट गया है। औसतन 1,00,000 बच्चे गायब हो जाते हैं, 45% बच्चों का नामोनिशान तक नहीं मिलता कि वो कहां गए, उन्हें किसने अगवा किया, उनके साथ क्या हो रहा है। और एक हैरान करने देने वाले आंकड़ा यह भी है कि देश की राजधानी दिल्ली, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, जहां पर वीवीआईपीज रहते हैं, उस राजधानी दिल्ली से रोजाना 18 बच्चे गायब हो रहे हैं। वाकई 18 बच्चे गायब हो रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से रोजाना, चौंका देने वाला आंकड़ा, हैरान कर देने वाली बात कि जो सबसे ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर सभी वीवीआईपीज रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, सांसद रहते हैं, वो देश की राजधानी दिल्ली